हिंदी में भाई कहाँ रहते हो, बांग्लाई सुनते कि दादा कोथाई थाका होय, और इंग्लिश में हाउ डू यू लिव। सो दिस इज द ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन आप कहाँ रहते हो। Hey guys, welcome back to another episode of Interesting Channel, and आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक छोटा सा टॉपिक लेके, इतना बड़ा अर्थ के अंदर इतना छोटा सा हमारा प्यारा सा दुनिया जिसका नाम है प्लेनेट अर्थ, वहाँ हम लोग कहाँ रहते हैं। गैलेक्सी हो या तो पूरा ब्रह्मांड हो या तो पूरा दुनिया के अंदर उसका छोटा सा उस अर्थ का लोकेशन क्या है, एंड पुट उस अर्थ के अंदर हम लोग सबको बताएं कि हम लोग रहते हैं हमारा प्यारा सा भारत, और हमारा कंट्री के अंदर कोई भी स्टेट हो उस प्यारा सा स्टेट के अंदर, तो उसके अंदर हम लोग कहाँ रहते हैं हम लोग आज ढूंढेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स जंप टू द टॉपिक, नो बकवास नो स्टोरी ओनली इंटरेस्टिंग। अगर आप अपना घर से बाहर हो या तो आप अपना गांव में हो और कोई आपको पूछे कि भाई कहाँ रहते हो, तो आपका सवाल का सीधा सा आंसर आएगा आपका जो गांव का नाम है वो। लेकिन आप अगर अपना स्टेट में कोई और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, तो आपको अगर कोई पूछे कि भाई कहाँ रहते हो, तो आपका आंसर आएगा अपना डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ अपना गाँव के नाम। आप अगर बिहार से हो तो आप बोलोगे बिहार से हूँ बा। लेकिन अगर आप कंट्री के बाहर से हो तो आपका सवाल का उस सवाल का आंसर आप दोगे कि भाई मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया से हूँ। लेकिन आप एक बार सोचो कि आप अर्थ के बाहर हो, तब आप उस सवाल का क्या आंसर देने वाले हो। उसी जैसा बात है, आप बोलोगे भाई मैं अर्थ से हूँ। आज से 500 साल बाद यही होने वाला है अपना दुनिया का हाल। जब साइंस भी आगे बढ़ जाएगा तब हम लोग एक एक शिप लेके घूमेंगे। 500 साल बाद जब हम लोग बात करेंगे कोई लोकेशन का, तब हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से बात करेंगे। अब अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं पता है, तो आप समझ लीजिए कोई जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसका पिन कोड एंड उसका पोस्ट ऑफिस होता है, एज एन एग्जाम्पल। बाय द वे नहीं होता है। उसके बाद हम उस टाइम पूछेंगे कि भाई आप कहाँ से हो, तो आज से कोई बंदा बाहर रहेगा तो उस टाइम वो रिप्लाई करेगा कि मैं इतना लैटिट्यूड और इतना लॉन्गिट्यूड से हूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि अर्थ एक्चुअली में कहाँ लोकेट करता है। पूरा दुनिया को हम लोग एक बार घूम के आएंगे इस छोटा सा वीडियो के अंदर से। सो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग अपना शहर से पूछते हैं। तो मेरा शहर का नाम है गूगल शहर। दुनिया का कोई भी सवाल हो, इससे बढ़िया शहर तो नहीं मिलने वाला। तो गूगल शहर से हम लोग पूछते हैं कि अर्थ का लोकेशन क्या है। गूगल शहर ने बता दिया कि सोलर सिस्टम के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा अर्थ मौजूद है। तो हम लोग सर्च मारते हैं मिल्की वे क्या होता है और मिल्की वे एक्चुअली है कहाँ। तो यहाँ आ गया, मिल्की वे गैलेक्सी होता है, और गैलेक्सी मतलब काफी सारा स्टार्स का एक झुंड, उसे कहते हैं गैलेक्सी। एंड उस स्टार्स के अंदर हमारा जो सूरज है वो भी एक स्टार है, एंड उसके अंदर आते हैं हमारा पृथ्वी। तो हम लोग अब ढूंढने वाले हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ है। तो गूगल सर बता रहा है कि मिल्की वे गैलेक्सी होता है कॉन्स्टेलेशन सैगिटेरियस के अंदर। अब कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन होता है काफी सारा गैलेक्सी का एक झुंड। हम लोग अब ढूंढते हैं कॉन्स्टेलेशन सैगिटेरियस का लोकेशन क्या है। तो गूगल सर ने बता दिया कि कॉन्स्टेलेशन सैगिटेरियस का अल्टीमेट कोऑर्डिनेट है RA 19:00:02 December 25° 0′. तो गूगल सर के पास इससे ज्यादा आंसर तो मौजूद नहीं है। तो हम लोग एड्रेस हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में अर्थ के बाहर जाते हुए कि पूरा दुनिया के अंदर अर्थ का लोकेशन क्या है। गूगल सर के एक बेटा है जिसका नाम है गूगल अर्थ। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा जो इंडिया है वो इस अर्थ के अंदर कहाँ मौजूद है। तो ये है हमारा प्यारा सा भारत, एंड इसके अंदर हम लोग अर्थ से बाहर निकलने के बाद हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। तो हम लोग आ गए हैं इस हमारा अर्थ के बाहर, और सारे जो आप देख रहे हो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये है सारे सैटेलाइट्स जो हम लोग सालों साल से छोड़े हैं, जो कुछ ठीक है और कुछ खराब हो गया है, लेकिन वो लोग फिर भी घूम रहे हैं अर्थ के चारों तरफ। इसे कहते हैं स्पेस डेब्रिस। एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, जिसमें इंडिया नहीं है लेकिन रशिया, यूएसए, चाइना जैसा कंट्री इंटरनेशनल स्पेस का भागीदार है, और ये है इंटरनेशनल स्पेस का अंदर का सीन। तो चलते हैं आगे, कितना खूबसूरत है हमारा प्यारा सा अर्थ। तो इसको छोड़ के हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या है। यह हमारा प्यारा सा मून, जो देखने में तो नजदीक लग रहा है लेकिन ये भी पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर दूर पे है। तो इसको छोड़ के भी हम लोग और आगे जाने वाले हैं, और ये जो गोल गोल लाइन आपको चारों तरफ देख रहे हैं ये है
वो सारे प्लेनेट जो सूरज को चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं लाखों सालों से। सो अल्टीमेटली हम लोग आ पहुंचे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, और यहाँ आपको जो रेड लाइन दिख रहा है ये है हमारा अर्थ का लोकेशन। अगर मिल्की वे गैलेक्सी एरिया का बात किया जाए तो ये 10,000 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं लोकल ग्रुप के। काफी सारा गैलेक्सी लेके बना रहा होता है एक लोकल ग्रुप, जहाँ सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी का जो लोकल ग्रुप है वो फैला हुआ है 10 मिलियन लाइट ईयर्स तक। 1 मिलियन लाइट ईयर्स का मतलब अगर आप समझना चाहते हो तो आपको पहले समझना पड़ेगा लाइट ईयर्स क्या होता है। लाइट ईयर्स होता है लाइट एक साल में जितना दूरी तय करता है उसे कहते हैं लाइट ईयर्स। और काफी सारा लोकल ग्रुप मिलके बनता है एक सुपर क्लस्टर, जिस सुपर क्लस्टर का सोलर सिस्टम पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी पार्ट है, उसका नाम है वर्गो सुपर क्लस्टर। और वर्गो सुपर क्लस्टर फैला हुआ है 110 मिलियन लाइट ईयर्स तक। अगर इससे भी पीछे चला जाए तो हमें मिलेगा लानिया का सुपर क्लस्टर, जो 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सी लेके बना है, और उसका जो एरिया है वो फैला हुआ है 520 मिलियन लाइट ईयर्स तक। तो हम लोग चलते हैं और आगे, और आगे जाते जाते हम लोग आ पहुंचे हैं दुनिया के सबसे लास्ट पार्ट में, जहां आप देख सकते हो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। सो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, दैट मीन्स हम लोग इतना दूर तक ही देख सकते हैं अपना अर्थ से, क्योंकि लाइट अर्थ पहुंचते पहुंचते लाइट का जो पार्टिकल होता है वो धीरे धीरे उसका एनर्जी कम होता रहता है, एंड एनर्जी कम अगर हो जाएगा तो हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सब चीज हम लोग देख सकते हैं लाइट के थ्रू ही। तो हम लोग देख चुके हैं आज के इस वीडियो में कि दुनिया कितना दूर तक फैला हुआ है और कितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं। तो जाते जाते मैं यहाँ से अपना घर जाना चाहता हूँ, और मैं आ गया मेरा घर के तरफ। मेरा घर है एक छोटा सा गाँव के अंदर, एंड अगर आप भी अपना घर के एड्रेस देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ लिंक में क्लिक करो, और आप चाहते हो तो अपना गाँव का नाम और आप कहाँ रहते हो, कौन सा स्टेट में रहते हो, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। कमेंट करके आप भी बन सकते हो हमारा इस YouTube कम्युनिटी का एक पार्ट। सो चलते हैं मेरे दोस्तों अगला वीडियो में। आपको कौन सा एपिसोड चाहिए, आप कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना अपने घर के नाम के साथ। जय हिंद। So, if you really like this episode, then click on the like button. And thank you so much, guys, for watching this episode. अगर आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो, to stay updated, तो इस bell icon पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि यही वो घंटा है जो आपको सूचित करेगा जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा सिर्फ आपके लिए।